बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सिंध ट्रैफिक पुलिस में कांस्टेबल की बड़ी भर्ती शुरू हो गई है, जिसमें असामियों की कुल तादाद 2838 है। इसमें तालीम मैट्रिक है और इसमें उम्र की हद 18 से 28 साल है। मुकम्मल तफसीलात और फॉर्म फिल करने का मुकम्मल तरीका आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, उसको स्किप नहीं करना। अगर स्किप किया आपको कुछ समझ नहीं आएगी, उसके लिए अप्लाई करने के लिए आपने गूगल पे आना है और यहाँ पर टाइप करना है बेस्ट पीके जॉब्स। टॉप पर एक वेबसाइट नजर आएगी बेस्ट पीके जॉब्स, आप उन्होंने सिंपली से क्लिक करना है, इसे ओपन कर लेना है। जो ही आप ओपन करेंगे, आपके पास कुछ इस तरह का हमारी वेबसाइट का इंटरफेस नज़र आएगा। सिंपली आप लोगों ने नीचे स्क्रॉल ऑन करना है और यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे लिखा होगा ज्वाइन अवर व्हाट्सअप ग्रुप। आप लोग सिंपली यहाँ पे क्लिक करके जॉब्स अपडेट्स का हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली आप लोगों ने ऊपर आना है एंड यहाँ पर आप लोगों ने चूज़ जॉब्स कैटेगरी में आना है एंड यहाँ पर आप लोगों ने सिंपली पॉलिसी जॉब फाइंड करके इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट पोस्ट नजर आ रही ट्रैफिक पुलिस कॉन्स्टेबल जॉब 2022। आप लोगों ने सिंपली यहाँ पर रीड मोर पर क्लिक करना है। पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल तमाम ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को ज़रूर ऑल पे करना, क्योंकि जितनी भी जॉब्स की रिलेटेड वीडियोस अथेंटिक हमारे चैनल पे आती हैं और सबसे पहले आती हैं, इंशाल्लाह सबसे पहले आपको मिलेंगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो पर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ट्रैफिक पुलिस कुछ इस तरह लिखा होगा, तो आप लोगों ने सिंपली सबसे पहले जॉब्स डिटेल दी गई है, आप लोग सिंपली रीड आउट कर सकते हैं। नीचे आप लोग स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिसमें एजुकेशन मैट्रिक बताई गई है और इसकी लास्ट डेट जो कि 20 मई 2022 बताई गई है। इसमें वैकेंसीज़ की 2838 तादाद बताई गई है। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर वैकेंट पोजिशन जो कि खाली असामी, इसमें जो खाली असामी है पुलिस कॉन्स्टेबल की है BPS 5 की। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, जिसमें टोटल पोस्ट बताई गई हैं 2838। क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैट्रिकुलेशन बताई गई है, 18 से 28 ईयर्स एज बताई गई है, 5 फुट 5 इंच जो कि कद मांगा गया मिनिमम, 33 इंचज़ का जो कि यहाँ पे चेस्ट मांगा गया है। उसके बाद रनिंग जो कि 1600 मीटर्स होगी, जो कि 8 मिनट्स में करनी है, जो कि फिज़िकल हमारा जो कि टेस्ट होगा। बाद यहाँ पे नीचे अप्लाई प्रोसेस बताया गया है, तो अप्लाई प्रोसेस से पहले आप लोगों ने नीचे आ जाना है, यहाँ पे इनकी एडवर्टाइजमेंट जो कि ऑफिशियल है रीड कर लेनी है। तो सिंपली यहाँ पे भी वही सेम दिया गया है, क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है जो कि मैट्रिक। उसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिजिकल स्टैंडर्ड बताया गया है, जो कि हाइट बताई गई है, चेस्ट और रनिंग का बताया गया है। उसके बाद एज लिमिट बताई गई है। नीचे यहाँ पर अप्लाई मुकम्मल तरीका बताया गया है, तो मैं आपको बताता चलता हूँ। तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, ऊपर आ जाना है यहाँ पर अप्लाई नाउ वाली सेक्शन पर और यहाँ पर आप लोगों ने अप्लाई नाउ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक जो ही करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। आप लोगों ने यहाँ पे ऑल जॉब्स पे क्लिक करना है। ऑल जॉब्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप ये इस तरह इंटरफेस कुछ खुल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे नज़र आ रहा होगा सिंध पुलिस डिपार्टमेंट कराची रेंज ट्रैफिक, तो ये आप लोगों ने व्यू डाउनलोड्स पे यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ कुछ इस तरह इंटरफेस नज़र आएगा। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट दी गई है, जो कि वही एडवर्टाइजमेंट जो मैंने आपको बताई थी। तो उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कराची, ये भी बता देता हूँ। इन तीनों चीज़ों को आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। ये आप लोग देख सकते हैं इनकी एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे सिंपली वही मेंशन की है जो कि आपको बताई थी मैंने। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आता है, जो कि आपने उन्हें किस तरह फिल करना है, तो इसका तरीक़ाकार मैं बताता चलता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं अपनी फ़ोटो लगानी है, पिक्चर जो कि आपकी यहाँ पर लगेगी। बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अपने फुल नेम जो कि ब्लॉक लेटर्स में डालना है, फादर का नेम यहाँ पे डालना है, उसके बाद जेंडर मेल या फीमेल है जो भी आप लोगों ने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखनी है यहाँ पे। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे CNIC नंबर देना है और CNIC नंबर यहाँ पे री इंटर करना है, मतलब एक बार यहाँ पे लिखना है, उसके बाद यहाँ पर भी लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, मोबाइल नंबर देना है, पीछे आप लोगों ने ईमेल एड्रेस जो कि ईमेल एड्रेस हुआ तो आप लोग यहाँ पे डालना है। उसके नीचे आपके शनाख्ती कार्ड पे परमानेंट एड्रेस होगा, आप लोगों ने वो सिंपली यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद डोमिसाइल प्रोविंस जहाँ का आपका डोमिसाइल है आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है, कराची कराची का लिखना है। उसके बाद कराची वेस्ट का है, नॉर्थ का है, कहाँ का बना हो यहाँ पे आपने वो मेंशन करना है। उसके बाद रिलीजन यहाँ पे दिए गए, मुस्लिम है गैर मुस्लिम है, जो भी आप लोग यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप माजूर हैं तो येस या नो यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके नीचे आप लोग देख सकते हैं करंट ऑक्यूपेशन, यहाँ पे अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है या प्राइवेट सर्विस कोई भी कर रहे हैं तो, या अगर जॉब कोई भी नहीं है और या एक्स सर्विस मैन या किसी भी सर्विस से रिटायर हैं, तो यहाँ पे आप लोग सिंपली टिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लोग देख सकते हैं पोस्ट अप्लाइड का जो कि पुलिस कॉन्स्टेबल की, आप लोगों ने सिंपली यहाँ पर टिक कर लेना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिजायर्ड टेस्ट सेंटर, आप लोगों ने यहाँ पे सिंपली यहाँ पे टेस्ट सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। नीचे आप लोग देख सकते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन, यहाँ पे आप लोगों ने सिंपली अगर सबसे पहले मैट्रिक की है मैट्रिक लिखना है, यहाँ पे एयर ऑफ पासिंग 2018-19 जो भी। उसके बाद कितने नंबर आप लोगों ने लिए, कितने में से लिए, उसकी परसेंटेज क्या है और डिवीजन क्या बना है आप लोगों का और किस बोर्ड यूनिवर्सिटी से किया है, तो सिंपली अपनी यहाँ पे एजुकेशन फिल कुछ इस तरह कर सकते हैं। उसके नीचे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। उसके नीचे आप लोगों ने यहाँ पे आना है और ये है अंडरटेकिंग फॉर्म जो कि आप लोगों ने यहाँ पे सिंपली टिक कर लेना है, इसको रीड आउट एक बार कर लेना है। सिंपली यहाँ पे लिखा गया, उसके बाद यहाँ पे लोग देख सकते हैं यहाँ पे अपना नाम डालना है और वालिद का नाम डालना है।
उसके बाद यहाँ पे पिक्चर लगानी है और यहाँ पे अपना लेफ्ट थंब लगाना है और डेट लिखनी है, साथ आपने यहाँ पे सिग्नेचर करना है। उसके नीचे आप लोगों ने स्क्रॉल करना है, यहाँ पे सबसे पहले बैंक में 325 रुपये फीस अदा करनी है जो कि इसके चार्जेस हैं, जो कि चलान है इसका। उसके बाद आप लोगों ने इसके साथ एक कॉपी मिलेगी, देख सकते हैं यहाँ PTS कॉपी लिखा गया है और यहाँ पे नीचे होगा बैंक कॉपी। आप लोगों ने बैंक की कॉपी हो जाएगी, उसके बाद PTS की जो कॉपी होगी वो, और साथ ये फॉर्म आप लोगों ने सिंपली ये सबमिट किधर करना है, यहाँ पे लिखा गया है बस बाय पोस्ट मेल पाकिस्तान PTS और यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस दिया गया है, यहाँ पे आप लोगों ने सबमिट करा देना है। फॉर्म फिल करने का कंप्लीट तरीका आपको मैंने बता दिया, अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आती आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी इस वीडियो को लाजमी से लाइक कर देना और चैनल पर नए तो लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।